हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखेंगे जो कि होगी मैट्रिक्स के सेशन पर आधारित। और आज हम लोग मैट्रिक्स का क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैट्रिक्स का फर्स्ट सेशन का फर्स्ट क्लास आज होने जा रहा है और हम लोग बहुत ही बेसिक जानकारी को लेते हुए आगे की ओर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास का मैट्रिक्स चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैट्रिक्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग को मैट्रिक्स के बारे में इंपॉर्टेंट, नेसेसरी और रिक्वायरमेंट चीजों को जान लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट क्या करते हैं, मैट्रिक्स। ओके, चलिए मैट्रिक्स हम लोग चैप्टर का नाम को लिख लेते हैं, मैट्रिक्स। ओके, है ना, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ये कौन सा क्लास का मैट्रिक्स है भाई? ये है 12 क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर है। ओके, चलिए इतना तो समझ में आ जाता है। बहुत ही बेसिक जानकारी यहाँ पे लेते हुए बहुत ही स्टार्टिंग लेवल से इसको हम लोग समझते हुए आगे की ओर चलेंगे, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं कि मैट्रिक्स को जानने के लिए कुछ कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको देख लेते हैं। तो क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पे, हिंट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंबल। सिंबल इसको हम लोग कितने तरीके से सिंबल में हम लोग इसको लिख सकते हैं। सिंबल देखिए, सबसे पहला है सिंबल ये, ठीक है। ये क्या है? ये भी एक मैट्रिक्स का सिंबल है। ये है फर्स्ट नंबर का सिंबल। सेकंड नंबर में आ जाते हैं, देखिएगा मैट्रिक्स का ये भी एक सिंबल में यूज लिया जाता है। नंबर थर्ड हम लोग के सामने में आ जाता है, देखिए ये भी एक मैट्रिक्स का सिंबल है, ठीक है। तो हम लोग के सामने मैट्रिक्स का सिंबल कितना हो जाता है, 1 2 3। देखिए, अब हम लोग यूज किसको करेंगे? देखा जाए तो फर्स्ट वाला जो सिंबल है ये मैट्रिक्स का भी सिंबल है और ये डिटरमिनेंट का भी सिंबल है, तो इसलिए हम लोग फर्स्ट नंबर वाले को यूज नहीं करेंगे। और ये सेकंड नंबर वाले तो आप लोग जानते ही है। और थर्ड नंबर वाला क्या है, ये मैट्रिक्स का सिंबल है। मैट्रिक्स का सिंबल तीनों ही है लेकिन फर्स्ट वाला जो है डिटरमिनेंट में भी यूज होता है, जिसके कारण से हम लोग इसको यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। ओके, तो हम लोग इसको यूज करेंगे, ये नंबर थर्ड नंबर वाले को मैट्रिक्स का सिंबल के रूप में हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स का सिंबल हो गया। चलिए अब सेकेंड बात आ जाता है यहाँ पे, रो किसको बोला जाता है? रो, ठीक है, रो। रो किसको बोला जाता है? देखिए, इस तरह का लाइन जितना भी है सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। इस तरह का लाइन जितना भी है सभी को हम लोग बोलते हैं रो। रो को आर से डिनोट किया जाता है। देखिए यहाँ पे आर से इसको दर्शाया जाता है। ओके, चलिए अब आते हैं किसमें, कॉलम में। कॉलम कॉलम कॉलम, ओके कॉलम कॉलम। देखिए, इस तरह का लाइन जो सीधा लाइन रहेगा, खड़ा लाइन रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा, ठीक है, अपरूटेड लाइन रहेगा, तो ये सबको सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम बोलते हैं। इस तरह का, देखिए अभी बस हम लोग समझ रहे हैं कि रो किसको बोलेंगे, कॉलम किसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉलम, ठीक है। और इसको भी सी के द्वारा इसको दर्शाया जाता है, यानी कि डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया, सिंबल हो गया, रो हो गया, कॉलम हो गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चले अब चलते हैं आगे की ओर। देखिए अब हम लोग क्या देखेंगे कि अब हम लोग, अब सेकंड, अब थर्ड बात क्या आ जाता है कि जो भी हम लोग का मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना, जो भी मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स के अंदर में जितना भी डिजिट होता है सभी डिजिट को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं हम लोग एलिमेंट। जैसे कि, और एक बात, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स के बारे में कुछ लिखते हैं। चलिए देखिए, मैट्रिक्स 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 इज डिनोटेड बाय, डिनोटेड इन कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर लेटर, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग ले ली क्या, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डॉट डॉट डॉट, एक्स वाई जेड। यानी बोलने का मतलब क्या हो गया कि मैट्रिक्स को जो डिनोटेट करेंगे वो सभी कैपिटल लेटर में हम लोग डिनोटेट करेंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स हम यहाँ पे ले लिए, ठीक है, ए मैट्रिक्स है मेरा। अब इसका सिंबल यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे
सिंबल डाल दिए। अब इसके अंदर में हम लोग जो भी डिजिट को रखेंगे, अभी मान लीजिए कि ए ए रखते हैं, ठीक है, अभी मान लीजिए ए ए ही रखते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है ना कोई डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है, -204 जो भी, ये सब कोई डिजिट होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस सब को हम लोग बोलेंगे एलिमेंट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एलिमेंट बोलेंगे। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बेसिक से बेसिक जानकारी हम यहाँ पे देते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि ए एक मैट्रिक्स है मेरा, ठीक है, ए एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हम लिखेंगे। तो ये देखिए ये सब क्या है, 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सबको बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट, यहां तो कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, इसी को हमें यहाँ पे क्या दिखा दिए, और देखिए कैपिटल लेटर में सभी मैट्रिक्स को दिखाया जाता है, और ये हो गया सिंबल, ये हो गया, देखिए ये जो कैपिटल लेटर है ये है मैट्रिक्स, और ये यहाँ रहा ये क्या मैट्रिक्स का सिंबल, और 1 2 3 4 5 6 क्या है उसके अंदर का एलिमेंट। तो ये टोटल का टोटल क्या हो गया, ये एक पूरा टोटल क्या बन जाता है, मैट्रिक्स बन जाता है। आपको दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए अब हम लोग मैट्रिक्स बनाना सीखेंगे, ठीक है, अब हम लोग मैट्रिक्स बनाना सीखेंगे, हाउ टू फॉर्म मैट्रिक्स। देखिए हाउ टू फॉर्म मैट्रिक्स, हाउ टू फॉर्म मैट्रिक्स। देखिए मान लीजिए कि ए एक मेरा मैट्रिक्स है, ठीक है, ए एक मेरा क्या है यहां पे मैट्रिक्स है, यहां पे हम क्या ले लेते हैं, एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, ए ए ए, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, ए ए ए, यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए अभी हम लोग क्या देखे हैं, रो और कॉलम देखे हैं। अभी देखिए ये वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं रो, और इस तरह का जो लाइन रहेगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉलम। इतना बात समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब जब मैट्रिक्स बनाने वाला जब बात बोला जाता है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैट्रिक्स का जो रो होगा उसका नंबरिंग को पहले करेंगे, हाउ टू फॉर्म मैट्रिक्स। तो देखिए ए हम लोग एक मैट्रिक्स ले लिए, और इसके अंदर में अभी सभी लोग हम लोग क्या लिए, एलिमेंट लिए, लेकिन अभी तक 1 2 3 जो भी वो सब हम लोग के सामने में नहीं आया है। तो बनाने का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, सबसे अच्छा क्या है, सबसे पहले जो रो होता है रो उसका नंबरिंग किया जाता है। तो देखिए ये हो गया फर्स्ट रो, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो में 1 1 1, और ये सेकेंड रो ना है, ये सेकेंड रो 2 2 2, या तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब रो का काम खत्म हो गया, अब क्या करेंगे, कॉलम। देखिए ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम 1 1, ठीक है, ये सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम में 2 2, अब कोई दिक्कत, और ये थर्ड कॉलम में 3 और ये 3। तो इस तरीके से हम लोग के सामने में ये क्या बन जाता है, मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है, इस तरीके से क्या बन जाता है यहाँ पे, मैट्रिक्स बन जाता है। और एक बात याद रखिएगा कि जो रो होता है, रो होता है उसको आई के द्वारा डिनोट किया जाता है, आई के द्वारा, और जो कॉलम होता है, कॉलम, ठीक है, जो कॉलम होता है उसको जे के द्वारा यहाँ पे दर्शाया जाता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगर ये समझ में नहीं आया तो हम लोग फिर से एक क्या लेते हैं, मैट्रिक्स लेते हैं, और फिर से बनाने के लिए हम लोग सीखते हैं। चलिए तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक क्या ले लिए, बी एक मैट्रिक्स ले लिए, ठीक है, क्या ले लिए, एक मैट्रिक्स ले लिए, यहाँ पे क्या लिखना है, ए ए और ये ए, ठीक है, यहां पर भी ए ए और ये क्या हो जाएगा, ए, यहां पर भी क्या हो जाएगा, ए ए ए, ठीक है। चलिए अब क्या सिखाए थे, अब यहां पे हम लोग क्या सीखे थे कि सबसे पहले रो को लिखा जाता है। तो देखिए ये हो गया फर्स्ट रो, यहाँ पे 1 1 1, ये सेकेंड रो तो इसको 2 2, और यहां से 2, ये हो गया थर्ड रो तो थर्ड रो में 3 3 3, कोई दिक्कत यहां तक। अब जब रो का नंबरिंग खत्म हो गया तो अब क्या करेंगे हम लोग, कॉलम को नंबरिंग करेंगे, तो ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा कॉलम 1 कॉलम 1,
कॉलम वन, कोई दिक्कत। सेकंड कॉलम हो जाएगा कॉलम टू, कॉलम टू, ये थर्ड कॉलम हो जाएगा कॉलम थ्री, कॉलम थ्री, कॉलम थ्री, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या चलते हैं, अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब हम लोग ऑर्डर सीखेंगे, ठीक है, ऑर्डर है ना। चलिए अब सीखेंगे क्या हम लोग, ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। तो ऑर्डर निकालना हम लोग सीखेंगे। तो ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, ऑर्डर निकालने के लिए रो बाय कॉलम, ठीक है, रो बाय कॉलम है ना, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, ध्यान से देखिएगा यहां पे रो बाय कॉलम, ठीक है। तो इसको हम लोग यहां पे रो इनटू कॉलम, कॉलम यहां पे जरूर गुणा का है, ठीक है, R into C। जब कभी भी ऑर्डर निकालेंगे तो रो इंटू कॉलम करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। लेकिन यहां पे इसको रीड एज कैसे करेंगे, रीड एज, यानी कैसे रीड करेंगे इसको, रीड एज रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, कॉलम, ठीक है, रो बाय कॉलम, ठीक है। चलिए अब हम लोग ऑर्डर निकालने के लिए सीखेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ऑर्डर निकालने सीख रहे हैं, ठीक है। नंबर वन, मान लीजिए कि मेरे सामने कोई एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और उसके अंदर में मान लीजिए यहां पे कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, यहां पे क्या है, एलिमेंट है, एलिमेंट है। अब इसको हम लोग ऑर्डर निकाल रहे हैं, ऑर्डर निकाल रहे हैं, क्या, ऑर्डर निकाल रहे हैं। तो ऑर्डर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, रो कितना है और कॉलम कितना है उसको जानना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहां पे रो कितना है, ध्यान से देखिएगा, अभी हम काट के दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट रो हो गया रो, ये सेकंड रो हो गया, हम काट के दिखा रहे हैं लेकिन दिखाने की जरूरत नहीं है काट के, ठीक है। तो रो कितना हो गया, दो हो गया, दो को हो गया ना, रो कितना हो गया, दो को रो हो गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं कॉलम में, कॉलम हम लोग के सामने में कितना है, कॉलम हम लोग के सामने में कितना है, देखिए ये हो गया फर्स्ट कॉलम यानी कॉलम वन, ये हो गया सेकंड कॉलम, कॉलम टू, और ये हो गया थर्ड कॉलम, कॉलम थ्री। इसका मतलब कॉलम कितना हो गया हम लोग के सामने में, ये हो गया थ्री, ठीक है। तो जब हम लोग ऑर्डर निकालेंगे, ऑर्डर निकालेंगे तो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आप लोग सभी जानते हैं अभी, ऑर्डर, ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, रो बाय कॉलम, ठीक है। रो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टू, और ये कितना हो जाएगा, कॉलम थ्री। इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर से क्या पता चलता है कि ये जो ऑर्डर है ये टू बाय थ्री ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, यानी इस मैट्रिक्स के अंदर में दो गो रो है और तीन कॉलम है, क्वेश्चन में। तो ऑर्डर का मतलब यही हो जाता है कि ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है टू बाय थ्री, इसका मतलब रो दो को है और कॉलम तीन को है, आई वसन में। चलिए अब सेकंड एग्जांपल में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, सेकंड एग्जांपल, मान लीजिए कि भी यहाँ पे कोई एक हम लोग के सामने में मैट्रिक्स है, ठीक है, मान लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। अब बताइए इसमें रो कितना है, जल्दी से बोलिए रो कितना है इसमें, रो कितना है, सबसे पहला बात R1, ठीक है, ये कितना हो जाएगा R2, और ये कितना हो जाएगा R3, इसका मतलब रो कितना हो गया, रो हो गया थ्री, ठीक है। अब कॉलम कितना है हम लोग सामने में, कॉलम कितना है हम लोग सामने में, देखिए ये हो गया कॉलम नंबर वन, ये हो गया कॉलम नंबर टू, ठीक है। तो कॉलम कितना हो गया, दो, ठीक है। अब इसमें ऑर्डर निकालेंगे, ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर, चलिए ऑर्डर निकालते हैं, ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है, रो बाय कॉलम, रो कितना है थ्री, कॉलम कितना है टू, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, थ्री बाय टू, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस मैट्रिक्स के अंदर में तीन रो है और दो कॉलम है, कितना, दो कॉलम है, आई बात समझ में आता है। चलिए अभी अब हम लोग
चलते हैं अब थर्ड एग्जांपल की तरफ। चलिए नंबर थर्ड एग्जांपल की तरफ, मान लीजिए कि और एक हम लोग एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं, ठीक है। चलिए यहां पे लेते हैं, ठीक है, 4 5, ठीक है। चलिए यहां पे 2 3, ठीक है। अब निकालते हैं ऑर्डर, ऑर्डर तो सबसे पहला बार यहां पे रो कितना है, ठीक है, रो कितना है, ध्यान से देखिए यहां पे रो कितना है, R1 और ये R2, ठीक है। इसका मतलब हो गया रो 2, ठीक है। अब यहां पे कॉलम कितना हो जाएगा, कॉलम कितना होगा, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, यानी कि कॉलम इसके अंदर कितना है, 2 है। लिखा तो ऑर्डर क्या होता है भाई, फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलिए। तो क्या हो जाएगा, ये रो बाय कॉलम, यानी कि 2 बाय 2, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर में 2 रो है और 2 कॉलम है, आपको दिक्कत, ठीक है। तो चलिए फिर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए यहां पे, ठीक है। चलिए अब आते हैं एग्जांपल नंबर 4 में, ठीक है ना। चलिए मान लीजिए एक नंबर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसमें रो कितना है, जल्दी से बताइए रो कितना है, ठीक है। R1 देखिए हम काट के दिखा रहे हैं, लेकिन काटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में सीधे सीधे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो रो कितना हो गया, रो हो गया 3, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसमें कॉलम में, तो कॉलम कितना हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा हम लोग का कॉलम 1, ये हो जाएगा कॉलम 2, और ये क्या हो जाएगा, कॉलम 3, यानी कॉलम कितना हो जाएगा, 3। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए ऑर्डर में, तो ऑर्डर निकालने के लिए सिखाए हैं रो बाय कॉलम, तो रो कितना है, 3, कॉलम कितना है, 3, तो ये ऑर्डर किसमें चला जाएगा, 3 बाय 3। इसका मतलब क्या हो गया कि इस मैट्रिक्स के अंदर में 3 रो है और 3 कॉलम है, आपको दिक्कत नहीं, दिक्कत। फिर से एक एग्जांपल लेते हैं 3 नंबर, मान लीजिए कि एक हम लोग यहां पे ले लेते हैं, ठीक है, 1 2, ठीक है। यहां पे क्या ले लिए हम लोग, यहां पे ले लिए हैं एलिमेंट ले लिए हैं, ठीक है। रो कितना है इसमें, R1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, R2। इसका हम लोग क्या हो गया कि रो कितना हो जाएगा इसमें, 2, ठीक है। अब कॉलम कितना होगा इसमें, कॉलम कितना होगा, जल्दी से बताइए, कॉलम हो जाएगा 1, कॉलम एक ही होना है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है, रो बाई कॉलम, तो रो कितना हो जाएगा यहां पे, 2, कॉलम कितना हो जाएगा, 1। ऑर्डर समझ में आ गया। चलिए और एक एग्जांपल के द्वारा हम समझाने की कोशिश करते हैं, एफ नंबर, ठीक है। यहाँ पे और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और चलिए इतना ही लेते हैं इसमें भी, है ना। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग कि रो निकालते हैं, सबसे पहला बार रो निकालते हैं, रो कितना है, R1, ये रहा R1 और ये रहा कितना, R2, ठीक है। तो रो कितना हो गया, 2 रो हो गया। अब कॉलम कितना हो जाएगा, ठीक है, कॉलम कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पे कॉलम कितना हो जाएगा, कॉलम 1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कॉलम 2, और ये कितना हो जाएगा, कॉलम 3। तो कॉलम कितना हो गया हम लोग सामने में, 3। तो ऑर्डर जब हम लोग यहां से निकालेंगे, ऑर्डर, ठीक है, जब हम लोग किससे निकालेंगे, ऑर्डर निकालेंगे, ऑर्डर, ऑर्डर, तो क्या होता है फॉर्मूला, रो बाई कॉलम, तो रो कितना हो जाएगा, रो कितना हो जाएगा, यहां पे होगा 2 और कॉलम कितना हो जाएगा, 3। दिक्कत यहां तक नहीं ना। चलिए देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर में हम लोग चलते हैं, और यहां पे हम लोग सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। चलिए तो अभी तक हम लोग रो, कॉलम, सिंबल, मैट्रिक्स और ऑर्डर निकालना यहां पे हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। तो अब इसका हम लोग यहां पे क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। चलिए अगर क्वेश्चन को देख नहीं, मतलब नहीं दिख पा रहा है, क्वेश्चन विजिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। चलिए विजिबल हो जाएगा, एक मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर में जो एलिमेंट है वो है 5 -2, ठीक है, 6 1, और यहां से 7 0 8 -3, ठीक है। यहां से कितना होगा, √2, ठीक है, ये होगा 3/5, ओके, ये हो गया 4, और ये हो गया क्या, यहां से हो गया 3,
ठीक है। तो ये हम लोग के सामने में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन, द नंबर ऑफ रोज इन ए, द नंबर ऑफ रोज इन ए, यानी इस मैट्रिक्स के अंदर में कितना रो है, ठीक है। तो रो हम बताए थे कि रो किसको बोला जाता है, ठीक है, रोज कितना है इसमें। देखिए यहां से एक रो ये हो जाएगा, दूसरा रो ये हो जाएगा और तीसरा रो ये हो जाएगा, यानी कि रो कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत चलिए नहीं ना। अब आते हैं सेकंड नंबर पर। सेकंड में क्या होता है, द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, ठीक है। कॉलम्स भी बताए थे, कॉलम भी निकालने के लिए बताए थे, ठीक है। कॉलम कितना कॉलम है, देखिए 1 2 3 4, ठीक है, तो फोर कॉलम हो जाएगा। देखिए इस तरह का जो लाइन होता है उसको बोलते हैं रो, और इस तरह का जो लाइन होता है उसको बोलते हैं कॉलम, ठीक है। तो देखिए यहां पे रो ये हो जाएगा, कॉलम ये हो जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। नंबर थर्ड, नंबर थर्ड में आते हैं हम लोग। नंबर थर्ड में क्या है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। अभी तो हम लोग ऑर्डर निकालने के लिए सीखे थे, ऑर्डर, तो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, रो बाई कॉलम। कोई दिक्कत है मेरे रसगुल्लो, कोई दिक्कत है नहीं ना, ठीक है। चलिए तो रो बाई कॉलम, तो रो कितना हो जाएगा, रो हो जाएगा थ्री, ठीक है, और कॉलम हो जाएगा फोर। यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नंबर फोर में क्या है, द नंबर ऑफ ऑल एंट्रीज इन ए। यहां पे क्या लिख रहा है, एंट्रीज, एंट्रीज का मतलब यहां पे होगा एलिमेंट, ठीक है। तो एलिमेंट इसमें कितना है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कोई दिक्कत। तो इसमें हो जाएगा टोटल एलिमेंट कितना हो जाएगा, 12, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए नंबर फिफ्थ, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आ गया है, यहां पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A 2 3, ठीक है। A 2 3 क्या है भाई, ठीक है, हम बताए थे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, A 3 1, उसके बाद क्या हो जाएगा, A 1 4, उसके बाद क्या हो जाएगा, A 3 3, उसके बाद क्या होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहां पे हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, A 3 3 हो गया, उसके बाद हो जाएगा A 2 2 A 2 2। अब इसका मतलब क्या हो गया, तो देखिए हम लोग जाने थे ये क्या होता है, तो फिर से हम एक बार यहां पे बताने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसी को चीज को लेते हैं, देखिए, ठीक है ना। मान लीजिए कि ए हम लोग के सामने में एक मैट्रिक्स, समझने की कोशिश कीजिएगा, 1 2 3 4, यानी कि यहां कितना होगा, ए ए ए ए, ठीक है। उसके बाद कितना बार जाएंगे इधर, 1 2 3, इधर से ए ए, ठीक है। चलिए ए ए, यहां से भी ए ए, यहां से भी ए ए, कोई दिक्कत यहां तक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले यहां पे हम लोग रो को लिखते हैं, रो नंबर वन, तो क्या लिखेंगे, 1 1 1 1, रो नंबर सेकंड नंबर तो 2 2 2, और ये 2, रो नंबर थर्ड तो यहां पे 3 3 3 3, ठीक है। अब आते हैं कॉलम में, रो का काम खत्म हो गया, रो तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, रो को लिखते हैं उसके बाद कॉलम को, तो कॉलम नंबर वन है ये वाला फर्स्ट कॉलम, तो कॉलम वन, सेकंड कॉलम है वाला कॉलम टू, यहां से कॉलम थ्री, यहां से कॉलम फोर, और ये कॉलम फोर। अब यहां पे कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि जो एलिमेंट का पोजीशन बता रहा है, ठीक है, ये जो हम लोग का एलिमेंट है इस मैट्रिक्स के अंदर में, जो भी संख्या डिजिट जो भी बोल सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। तो इसका हम लोग जो A 1 4 A 3 3 A 3 1 A 2 2, ये सब क्या है, पोजिशन है, यानी कि फर्स्ट वाला क्या होता है, रो होता है, और सेकंड वाला क्या होता है, कॉलम होता है, यानी सबसे पहले रो होगा और सेकंड वाला कॉलम होगा। यानी कि यहाँ पे जब यहाँ पे ये है 3 1, तो 3 वाला क्या होगा, रो होगा, और 1 वाला क्या हो जाएगा, कॉलम हो गया। आई बात समझ में। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, अभी तो आप लोग समझ में आ जाएगा कि A 2 3, देखिए
ए का ए क्या होगा, टू थ्री, देखिए यहां पे ए टू थ्री ए ना है, ए टू थ्री, तो इसके जगह पे कौन सा एलिमेंट है, तो देखिए यहां पे है एट, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि ए सेकेंड रो, ठीक है, यानी कि यहां पे क्या होगा सेकेंड रो, देखिए ये सेकेंड रो और ये थर्ड कॉलम, यानी कि एक दो तीन, कौन कट रहा है यहाँ पे, आठ, तो यही होगा हम लोग का आठ, यानी कि ये हो गया 23, यानी कि टू थ्री जगह पे कौन है, एट है। अब आते हैं 3 1, तो 3 1 में कौन है, देखिए ये होगा थ्री, थ्री का मतलब फर्स्ट रो, मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो ये वाला, फर्स्ट कॉलम ये वाला, तो क्या होगा रूट दो, हाँ। देखिए अब आते हैं ए 1 4, तो 1 4 कहाँ पे है, देखिए 1 4 यहाँ पे है ना, यानी कि रो 1 कॉलम 4, तो देखिए यहाँ पे 1 4 है, तो 1 4 के जगह पे कितना होगा यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 3, यानी तीसरा कॉलम, सॉरी तीसरा रो तीसरा कॉलम, देख रहे हैं, तो ये कौन होगा 3 3 में कौन है, देखिए ये 3 3, तो 3 3 में कौन होगा यहाँ पे 4, कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं ना। अब आते हैं 2 2, फर्स्ट वाले को रो बोलते हैं और ये सेकंड वाले को कॉलम बोलते हैं, ठीक है, तो 2 2, देखिए 2 2 यहाँ पे है ना, तो 2 2 में कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। यहाँ पे हम फिर से बताना चाहेंगे आप लोग को, जैसे कि A 3 1 लिखा हुआ है, तो फर्स्ट वाला क्या होता है रो होता है और सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, ये कॉलम हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम लोग के सामने में क्या पूछ रहा है यहाँ पे, अब हम लोग के सामने में यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है और वो पूछ क्या रहा है, राइट द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ठीक है, ऑर्डर पूछ रहा है ना, ए नंबर का यहाँ पे मैट्रिक्स का हम लोग ऑर्डर देख रहे हैं, ठीक है, ऑर्डर ऑर्डर कितना रो है, रो कितना है एक दो, ठीक है, रो कितना हो जाएगा, रो बाई कॉलम होता है ना, ऑर्डर क्या होता है रो बाई कॉलम, तो देखिए यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट रो और ये हो गया सेकेंड रो, तो दो को रो हो गया और कॉलम कितना हो जाएगा, कॉलम 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं इसमें बी नंबर में, ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या होता है रो बाई कॉलम, ठीक है, तो रो कितना है देखिए इसमें 1 2 3, ठीक है, तो ये हो गया 3 और कॉलम कितना हो जाएगा 1 2, ये हो गया 2, कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग। अब यहां पर भी ऑर्डर निकालने बोल रहा है, ऑर्डर ऑर्डर, तो क्या होता है फॉर्मूला रो बाई कॉलम, तो रो कितना हो जाएगा ध्यान से देखिएगा, एक एक रो हो जाएगा, कॉलम कितना हो जाएगा 1 2 3 4, यानी यहां पे कॉलम 4 हो जाएगा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना, ऑर्डर ऑर्डर, यहां से देखिए ऑर्डर क्या हो जाएगा रो बाई कॉलम, तो रो कितना हो जाएगा 1, कॉलम कितना हो जाएगा 1 2, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहां से भी ऑर्डर निकालना पड़ेगा, ऑर्डर ऑर्डर फॉर्मूला क्या होता है रो बाई कॉलम, तो रो कितना है 1 2 3, रो कितना हो जाएगा 3 और ये कॉलम कितना हो जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं ना। यहां पर भी ऑर्डर आइए, ऑर्डर तो ऑर्डर यहां पे क्या होगा, रो सबसे पहले रो बाई कॉलम होता है फॉर्मूला, तो रो कितना हो जाएगा 1, कॉलम कितना हो जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, तो आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और हम लोग मैट्रिक्स को सीरीज बाय सीरीज, ये फर्स्ट पार्ट था हम लोग का मैट्रिक्स का सेशन का फर्स्ट पार्ट था, हम लोग सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट करते करते हम लोग बहुत सारा पार्ट को लाएंगे और पूरा मैट्रिक्स को खत्म कर देंगे और इसी तरीके से मैथमेटिक्स को भी खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चैनल को आप लोग क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, चलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए सपोर्ट करने के लिए थैंक्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।